क्या बात है विक्रम, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कल प्रेजेंटेशन के लिए करिश्मा को साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। बिजली जो सप्लाई करनी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो तुम बाजार से कोई जनरेटर भाड़े पे क्यों नहीं ले जाते? बॉस को मेरा ही जनरेटर चाहिए जो मैंने घर पे बनाया है। तो एक काम करो, तुम एक डमी जनरेटर अपने साथ ले जाओ और करिश्मा को भी अपने साथ ले जाओ। काम करिश्मा करेगी, नाम जनरेटर का होगा। ब्रिलियंट आइडिया। अरे ऑफिस में ब्लैकआउट हो गया और ये विक्रम अब तक आया नहीं है। सर वो हमेशा लेट आता है। मैं भी ऑफिस में क्यों लेट पहुंचता हूं, उसकी गाड़ी से तो ना मुझे रुकना ही पड़ता है। अरे चुप करो, मैं पहले ही बहुत टेंशन में। विक्रम जैसे आदमी रखोगे हमेशा टेंशन में रहोगे। ये देखो आगे कितना आराम से। अरे कितनी देर करी तुमने आने में, रिश्ते विलेम आ चुके हैं। क्या करूं सर, मेरे तो कदम ही नहीं उठ रहे थे। ये जो मेरा जनरेटर, देखा श्रद्धा सच कहती थी, ये करिश्मा ही जनरेटर है। आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब ये नहीं था, ये तो करिश्मा है। वो शीतल घर पे नहीं थी ना, इसलिए इसे साथ में लाना पड़ा। जनरेटर तो ये है। अरे ये तो बिल्कुल रेडियो की तरह लगता है। यस सर, वेरी गुड। इसकी बात में करेंगे। चलो कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते हैं। काम करिश्मा, काम करिश्मा। नहीं, करिश्मा वहां जाकर क्या करेगी सर? करिश्मा यही रहेगी, जनरेटर को संभालेगी। तो जाइए, वहां पर मिस्टर विलियम का अंधेरे में ब्लैकआउट हो रहा होगा। मैं जनरेटर को ऑन करके आता हूँ। जल्दी है ना? करिश्मा ध्यान से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वेरी गुड। शीतल बेन आओ श्रद्धा, बोलो आज क्या चाहिए? अरे रनोई आज कुछ लेने नहीं आई हूँ। वो बात ये शीतल बेन कि मारी स्वीटी छे ने, वो स्कूल के ड्रामे में भाग ले रही है। अने इस ड्रामे में उसको गीता पर हाथ रख के सौगंध खानी है। समझ गई। आपको वो सौगंध पूछनी है ना? करेक्ट। अबे जल्दी से गीता पे हाथ रख के सौगंध बता दो। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो कुछ भी कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। बस अरे बस का, आज वो शीतल बेन आपने सच्ची मुच्ची की गीता पर हाथ रख कर कसम खाई है, इसलिए अब आप जो कुछ भी बोलेंगी वो सच ही बोलेंगी। तो बताइए, कल करिश्मा ही घर में बिजली दे रही थी ने? बोले श्रद्धा बेन, आपने धोखे से मुझसे कसम ली है। हाँ पर कसम तो असली है ने, गीता पर असली है। जो बोलो बोलो। अच्छा मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के बस अभी आई। अरे नहीं शीतल बेन, झूठ नहीं, कसम खाई है झूठ नहीं, पानी बाद में पी लेना। बोलो ना। हाँ ये सच है, हमारे घर को बिजली तो करिश्मा की वजह से ही मिलती है। वो अपने जनरेटर से हमारे घर को बिजली सप्लाई करती है। इतने करिश्मा के पास जनरेटर है? हाँ, और वो उसके पापा ने ही बनाया है। करिश्मा उसे ऑपरेट करती है। आज वो अपने पापा के साथ जनरेटर लेकर ऑफिस गई है, उनकी कोई प्रेजेंटेशन है। ऑफिस में प्रेजेंटेशन छे तो करिश्मा जनरेटर लेकर क्यों गई? कुछ तो गड़बड़े, ऑफिस जाके पता करते। चल बेन, अबे मैं चलती हूँ, हाँ बाद में मिलेंगे, आओ जो। ओह गॉड, अब ये सीधा ऑफिस ही जाएगी और वहाँ पे करिश्मा का राज। देखिए जेंटलमैन, आजकल के जमाने में जहाँ मियाँ बीवी दोनों बहुत ही बिजी रहते हैं, दोनों काम करते हैं, तो सुबह सुबह उठकर खाना बनाने का वक्त किसी के पास नहीं होता। इसी वजह से मैंने ये ऑटो टिफिन तैयार किया है। एक तो होटल का खाना रोज रोज खाकर सेहत खराब होगी, दूसरा महंगा भी पड़ेगा, इसलिए ये ऑटो टिफिन। इसके अंदर आपको जो भी पकाना है, कच्ची सब्जी, चावल, रोटी, दाल, जो भी कुछ पकाना चाहते हैं इसमें डाल दीजिए। इसे बंद कीजिए, इस कॉर्ड को इसमें अटैच कीजिए और जिस तरह आपका मोबाइल चार्ज होता है उसी तरह आपका खाना भी तैयार हो जाएगा। Wow, that's great. अगर ऐसे खाना पकने को सकता तो हमारा that will solve our problem. But can you give me some more details? Yeah, why not? Sure. See, here I've created this design of this tiffin. यो भगवान, चलो चलो। वो टिफिन देने के बहाने आई। बोलो करिश्मा किधर है? वो बाजू के कमरे में होगी, तुम जाओ यहाँ से। आज मैं करिश्मा की पोल खोल के ही रहूंगी, देखना इलेक्ट्रिसिटी वही सप्लाई करती हूँ। अरे तुम मेरी इज्जत निकाल के रहोगी, तुम जाओ। क्यों? ये तुम्हारा ये डिब्बा लेके जाओ। हेलो
इसे कहते रंगे हाथों पकड़ना। अभी परेश को जाके बता दूं। थैंक यू सो मच। अभी मैं परेश को जाकर बता दूं करिश्मा के बारे में। परेश, हे भगवान, अब समझ में आया। ये करिश्मा को रंगे हाथ पकड़वाना चाहती है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। Great, this is a great idea, Vikram. Now I want to see आपका खाना कितना tasty है। Sir, please taste the food. सर क्या कर रहे हैं? खाना अभी तक पका का है। क्या महक आ रही है? Smells great. सर दिस इज भिंडी की सब्जी, प्लीज ट्राई इट। वाओ, क्या सब्जी है? लेडी फिंगर, माय फेवरेट। भिंडी की सब्जी? और ये तो मेरी है। इट्स वेरी टेस्टी। कांग्रेचुलेशंस विक्रम, यू आर ग्रेट। द टिफिन इज ग्रेट। क्या खाना है? अरे नहीं, आई एम ग्रेट। ये टिफिन ही नहीं मेरा है, मैंने सब्जी पर मैंने बनाई है। Who is this lady? लेडी फिंगर की कुक। नहीं सिस्टर दापारी। परेश, तुम्हारी बीवी का मुंह बंद करो। ये तो मेरी डील है, तुम्हारी नौकरी गई। नौकरी रहेगी तो रोज टीवी नहीं आएगा इसके लिए। उस भाई मैं बताती हूँ ना कैसे बनाए भिंडी की सब्जी, मैंने बनाई है ना। श्रद्धा, हाँ तुम ये खाओ। विक्रम, यू आर ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हमारे देश में तुम्हारा जरूरत है। लेकिन सर मुझे विदेश नहीं जाना। मुझे ले चलो। Mr. Singh, let's not waste any more time. We'll sign the contract. Sure, let's go, sir. Sir, ये टिफिन मेरा है। Yes, eat it all. It's all yours. परेश, करिश्मा के बारे में सब पता चल गया। चलो। मैं बाद में आता हूँ। तुम ये और एक खाओ, एक खाओ। Very tasty. खाओ, पकड़ो, मैं जाता हूँ। करिश्मा, अरे इधर ही तो थी। तार क्या जाए छे? करिश्मा जल्दी से कुछ कर, वरने श्रद्धा तो सबके सामने हमारा राज खोल देगी। किसी को भी तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। करिश्मा तुम जाओ। और शीतल, तुम यहाँ? ये श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा, अरे वाह, अरे ऑफिस में नया कचरे का डिब्बा, मस्त है। श्रद्धा कहाँ है? अभी मुझे नीचे बुला नहीं थी। चलो अभी आया तो नहीं है। वो परेश, श्रद्धा घर चली गई। हम लोग भी चलते हैं, चलकर सेलिब्रेट करते हैं। इतनी बड़ी डील जो हुई है आज। चल। करिश्मा पकड़ ले। शीतल बहन, ये हम लोग किधर है? परेश, श्रद्धा, अरे कहाँ थी तुम? इधर ही थी लगता है। श्रद्धा दिल पागल हो गई, पागल हो गई। चलो घर है, गई ने भिंडी खाएंगे। चलो। कोई डर नहीं, श्रद्धा कुछ भी साबित नहीं कर सकती। उनका तो ब्लैकआउट हो गया।
जादू नहीं अजूबा सही, करिश्मा का करिश्मा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।